एम्प्लॉयज यूनियन जम्मू कश्मीर हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एज CPW काम कर रहे हैं पिछले 20 और 25 सालों से, लेकिन बदकिस्मती से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ आज हमारी मीटिंग हुई। हमने एक प्रोग्राम रखा था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑफिस में, तो एक मीटिंग हुई। डायरेक्टर साहब ने विश्वास दिया हमें कि आप मंडी तक इंतजार कीजिए, मंडी के बाद आपके लिए कोई हकी फैसला लिया जाएगा। जो हमारा मसला है वो DPC का है, जो DPC हमारी हो एज पर SRO 308 हमें 50% कोटा मिल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से 2017 से वो भी रुका हुआ है। हम वेजेस दे रहे थे OE में या कोई स्कूल लोकल फंड में, लेकिन 2016 से जब बुरहान वानी NRC चला, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इजरा किया जिसमें हमारे लोकल फंड या OE हो वो भी उन्होंने रुका दिया। हम चाहते हैं कि हमारा मिनिमम वेज एज पर लेबर रेट हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारी जो DPC है वो जल्द से जल्द वागजार किया जाए। साथ ही साथ हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से गुजारिश करते हैं कि उन्होंने हमें मंडे का तक टाइम दिया है, अगर मंडे तक हमारा मसला हल नहीं हुआ, शायद मंडे के बाद हम अपने बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप प्रेस कॉलोनी में आकर तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारियां डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन आयद होगी। और हम गुजारिश करते हैं LG से, आप तो अमन के खा है, आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो। हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और LG साहब से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस गरीब महकमे के साथ इंसाफ किया जाए। आप देखिए, कल DDC इलेक्शन हो चुके हैं, हमने भी ड्यूटी दी, चाहे पंचायती इलेक्शन हो हम ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे स्कूलों की सफाई तो वो हम कर रहे हैं, चाहे थू था तो वो स्कूलों की सफाई हम कर रहे हैं, चाहे स्कूलों की चौकीदारी वो हम कर रहे हैं। आपकी डिमांड है ना, आपकी मुख्तसर से बताइए। जो सबसे बड़ी डिमांड है वो DPC है, और दूसरी जो हमारी डिमांड है वो वेज है, एज पर लेबर रेट हमें मिनिमम वेज मिलना चाहिए।